1700 में जब औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन पर आक्रमण किया तो हमारे पूर्वज इनको नाव द्वारा संदूक में बंद करके यहाँ पधारे हैं। तो 400 साल से इनकी ये अनवरत वृंदावन की परंपरा अनुसार हमारे यहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ 11 मन दूध दही में ये अभिषेक होता है। वैसे जनरली सभी जगह रात में मनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये वृंदावन की परंपरा है। वृंदावन में श्री राधा रमन जी के मंदिर में सुबह 5 बजे अभिषेक होता है। वृंदावन में श्री बिहारी जी के मंदिर में सुबह 4 बजे आरती होती है और हमारे राधा वल्लभ जी के मंदिर में दिन में अभिषेक होता है। इसलिए ये उसी परंपरा के अनुरूप यहाँ हमारे यहाँ 11 मन दूध दही में ठाकुर जी का दूध और दही से अभिषेक किया जाता है। आज से 2 साल पूर्व जो राधा वल्लभ जी का विग्रह था उनको हम बाहर निकालते थे, लेकिन कोरोना काल के समय से अब उनका जो छोटा स्वरूप है लड्डू गोपाल जी उनको बाहर निकाल करके ये अभिषेक होगा। और ये हमारे यहाँ 6 दिन कार्यक्रम चलेगा। कल हमारे यहाँ नंदोत्सव मनाया जाएगा सुबह 11 बजे से और 2 बजे तक। उसके बाद नियमित जन्म बधाइयाँ होंगी और आपकी छठी 24 तारीख को ठाकुर जी का छठी महोत्सव होगा, उसके साथ ये जन्माष्टमी महोत्सव का समापन होगा। आज ये सुबह से कितने लोगों की भीड़ देखने को मिली? आज ये सुबह से हमारे यहाँ तांता लगा हुआ है भक्तों का। हजारों श्रद्धालु सुबह सुबह से ही ठाकुर जी का दर्शन करके और दूध दही ला करके चले गए हैं और कुछ आ रहे हैं जा रहे हैं। ये क्रम हमारे यहाँ शाम तक बराबर चलता रहेगा। मैं रुचि गुप्ता जिस मंदिर से आ रही हूँ और मेरे पिताजी माताजी सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। मैं काफी साल से आ रही हूँ, मुझे यहाँ राधा वल्लभ मंदिर में आने का सौभाग्य मिलता है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज से और राधा वल्लभ मंदिर बहुत प्राचीन है। श्रद्धालु यहाँ बहुत भक्तजन भीड़ लगी रहती है, श्रद्धा से आते हैं लोग, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ पर और वृंदावन जैसी आनंद हमें यहाँ प्राप्त होता है। बोलो की जय। यहाँ मैं 25 सालों से आ रही हूँ। इस मंदिर की यह विशेषता है, यहाँ इस मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना लेकर आता है उसी मनोकामना स्वयं पूर्ण हो जाती है। तो आप देखा भगत लाल टीवी, आज जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ पर हम आज राधा वल्लभ मंदिर पर खड़े हुए, आइए हम भक्तों से बात करते हैं और कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं और क्या क्या है। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार सिंह। मंदिर में किस कब से आ रहे हैं आप? मेरे को 12 साल हो गया। अच्छा, क्या क्या कुछ यहाँ पर देखने क्या क्या मिला है? यहाँ क्या किस प्रकार? ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसको हम अपने बचपन से अपने माँ बाप के साथ आ रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है यहाँ पे हर साल। और राधा रानी का सिद्ध पीठ है। देखा आपने यहाँ पर राधा रानी के गीत गा रहे हैं और शाम को यहाँ पर जन्म भी होगा और देखना है कि हर्षोल्लास के साथ जन्मोत्सव मनाया। इटावा से आज रानू की चित्त की रिपोर्ट।